फ्री चार्ज आप कराओ, कल आप लोगों को कृष्णावली 2.2 के सवाल समझाए गए थे, आज आप लोगों को कृष्णावली 2.3 के सवाल समझाए जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है यक्ष की घाते 3 घन 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला नंबर है इसमें यक्ष घन 1, दूसरा नंबर यक्ष माइनस 1/2, तीसरा नंबर यक्ष, चौथा नंबर है यक्ष घन पाई और पांचवा नंबर है 5/2x। जिसमें पहले अपन यक्ष प्लस 1 का मान वेक्टर के मान को निकालेंगे, हल करेंगे यक्ष घन 1, जिसमें यक्ष की घाते 3 घन 3x² प्लस 3x+1 एवं यक्ष घन 1 का शून्य, क्योंकि यक्ष घन 1 के मान है तो जब शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के लिए यक्ष घन 1 जैसे बराबर मान 0 करते हैं, इधर लिखते हैं शून्य के लिए, इसलिए यक्ष बराबर बराबर की तरह हमारा मान प्लस का मान है, बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में जब आएंगे तो प्लस का मान माइनस में हो जाएगा, शून्य यक्ष बराबर माइनस 1 होगा, माइनस 1 है। अब इस शून्य को उठा करके मान से रख देंगे यक्ष की घात 3 घन 3x² घन 2x³, जिसमें यक्ष का मान माइनस 1 होगा, पी यक्ष का मान माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात 3 घन 3 × यक्ष का मान माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 × माइनस 1+1 बराबर माइनस 1 का गुणा, 3 बार करने के बाद माइनस में आएगा। मैं पढ़ाने के पहले आप लोगों को एक बात से अवगत कराया था, छात्राओं यदि हमारी किसी भी संख्या की घात विषम की है, बिल्कुल रूल मान लीजिए यदि हमारा आधार माइनस का है और यदि हमारी घात किसी भी संख्या की घात विषम की है, एक बार नहीं, हजार बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार यदि हम उस संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा मान माइनस का आ जाएगा, इसलिए माइनस 1 की घात 3 है, इसका गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस 3 × और अब इसमें कैसे देखा जाए माइनस 1 की घात 2 है तो हमारी सम संख्या की घात लगी है, 2 हमारी सम संख्या है, तो किसी भी संख्या में यदि सम संख्या की घात लगी है तो हमारा मान प्लस का होगा, यानी 1 का गुणा 2 बार करेंगे 1 ही आएगा प्लस, अब तो प्लस 2 का गुणा माइनस 1 के साथ भी करेंगे तो घन भी बराबर धन हो जाएगा, 2 × 2 = 1 बराबर माइनस 1 / 3 − 3 माइनस
तीन करने तीन माइनस दो धन मान कितना एक हो जाएगा, जिसमें से ये मान हमारा प्लस का है और ये मान हमारा माइनस का है। ये मान हमारा कट जाएगा बराबर मान हमारा हो जाएगा चार माइनस चार बराबर मान जीरो। ये मान हमारा चार माइनस चार बराबर जीरो, यानी कि भाग देने पर शेष पर हमारा जीरो प्राप्त होता है। नीचे लिख देंगे अतः शेष फल बराबर जीरो होगा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर है, जैसे ये दूसरा नंबर यक्स माइनस एक बटे दो, पुनः इस मान में शून्य निकालेंगे तो यक्स की घाते तीन है, तीन यक्स स्क्वायर धन तीन यक्स धन एक एवं यक्स माइनस एक बटे दो का शून्य शून्य बराबर एक बटे दो है। ये शून्य निकालने के लिए मैं बता चुका हूं कि शून्य निकालते हैं, मान लीजिए जैसे माइनस एक्स माइनस एक बटे दो है तो जब इसका शून्य निकालने को बराबर जीरो लगाते हैं, जब जीरो को हटाएंगे पक्षांतर करेंगे संख्या को तो का मान हमारा प्लस हो जाएगा यानी एक बटे दो हो जाएगा। अब यक्स की जगह में एक बटे दो का मान रखेंगे, पी एक्स बराबर यक्स की घाते तीन घन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का तीन एक्स प्लस का एक। पी यक्स का मान एक बटे दो है तो एक बटे दो रखेंगे, एक बटे दो की घाते तीन घन तीन गुणे यक्स का मान एक बटे दो रखेंगे, एक बटे दो की घाते दो प्लस तीन गुणे यक्स का मान एक बटे दो धन एक बराबर एक का गुणा तीन बार करेंगे एक ही आएगा, दो का गुणा तीन बार करेंगे तो आठ आएगा प्लस तीन गुणे एक का गुणा दो बार करेंगे एक आएगा दो गुणी चार प्लस ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे ये मान तीन बटे दो धन मान एक आ जाएगा बराबर एक बटे आठ धन तीन करने तीन तीन बटे चार धन तीन बटे दो धन एक। अब इसमें आठ चार और दो का एलसीएम लेंगे हमारा मान आएगा आठ, जो हद की संख्या आठ है एलसीएम के साथ में भाग होगी। बच्चों यदि इसका इसका भाग देते जो भाग फैलाता है ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा होता है, मान लीजिए आठ एक आठ बाजे आठ करेंगे तो आठ करने आठ ये कर जाएगा, ये हमारा भाग पर जो मान आता है ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा करते हैं, एक करने एक धन आठ बाजे चार करेंगे चार गुणी आठ दो बार जाएगा दो तीन छह दो चौको आठ चार तीन बारह धन आठ करने आठ बराबर ये मान चुकी पूरे मान प्लस में मान जुड़ जाएंगे छह एक सात बारह सात उन्नीस उन्नीस आठ सत्ताईस सत्ताईस बटे आठ आएगा, यही इसका शेष फल होगा। इसके बाद अपन कहता है यक्स थर्ड नंबर तीसरा नंबर है यक्स तीसरा नंबर है यक्स तो प्रभाव करेंगे यक्ष की घाते तीन धन थ्री यक्ष स्क्वायर प्लस तीन यक्ष प्लस ए में यक्ष एवं एवं यक्ष का शून्य, चूंकि इसमें मान कुछ नहीं है इसलिए जीरो है, तो पी यक्ष बराबर यक्ष की घाते तीन धन थ्री यक्ष स्क्वायर धन तीन यक्ष धन एक। यक्ष की जगह में जीरो रखेंगे, जीरो की घाते तीन धन तीन गुणे जीरो की घाते दो प्लस तीन गुणे जीरो धन एक बराबर जीरो का गुणा तीन बार करेंगे जीरो ही रहेगा, तीन गुणे जीरो का गुणा दो बार करेंगे जीरो ही रहेगा और ये तीन का गुणा जीरो के साथ करेंगे जीरो धन
एक बराबर जीरो धन। अब तीन का होगा जीरो के साथ में करेंगे, जीरो प्लस एक बराबर मान इसका रहेगा एक। शेष फल आता है अभीष्ट शेष फल बराबर एक होगा। इसके बाद में चौथा नंबर यक्ष धन पाई, यक्ष धन पाई जिसमें हल करेंगे मान है अपन का यक्ष की घात तीन धन थ्री यक्ष स्क्वायर प्लस तीन यक्ष प्लस एक एवं यक्ष धन पाई का शून्यक पाई होगा माइनस पाई, माइनस पाई होगा जिसमें मान रखेंगे पी एक्स बराबर यक्ष की घाते तीन धन थ्री एक्स स्क्वायर धन तीन यक्ष धन एक टी यक्ष का मान है पाई, पाई रखेंगे माइनस पाई की घाते दो प्लस तीन गुणे माइनस पाई की घाते दो प्लस तीन गुणे यक्ष का मान पाई है, पाई रखेंगे प्लस एक बराबर ये पाई का गुणा दो बार करेंगे माइनस का पाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस तीन गुणे ये पाई की घाते दो आ जाएगा तीन पाई प्लस एक बराबर माइनस पाई स्क्वायर प्लस गुणा कर देंगे तीन पाई के साथ में तीन पाई स्क्वायर धन तीन पाई प्लस एक आता है अभीष्ट शेष फल। अभीष्ट शेष फल माइनस पाई स्क्वायर प्लस तीन पाई स्क्वायर धन तीन पाई प्लस एक होगा, ये होगा। इसके बाद में पांचवा नंबर है पांच धन दो यक्ष जिसमें पांचवा नंबर है पांच धन दो यक्ष हल करेंगे यक्ष की घाते तीन धन तीन यक्ष स्क्वायर प्लस तीन यक्ष प्लस एक एवं एवं पांच धन दो यक्ष का शून्यक बराबर माइनस का पांच बटे दो ही होगा, माइनस का पांच बटे दो माइनस पांच बटे दो है। इस मान को रख देंगे अब पी एक्स बराबर यक्ष की घाते तीन धन थ्री यक्ष स्क्वायर धन तीन यक्ष धन एक जिसमें पी माइनस का पांच बटे दो की घाते तीन बराबर यक्ष का मान है माइनस पांच बटे दो की घाते तीन प्लस तीन गुणे यक्ष का मान है माइनस का पांच बटे दो की घाते दो प्लस तीन गुणे माइनस का पांच बटे दो प्लस मान आएगा एक, ये प्लस एक बराबर पांच का गुणा तीन बार करेंगे माइनस एक तो पच्चीस बटे दो का गुणा तीन बार करेंगे आठ आएगा प्लस तीन गुणे पचम पच्चीस बटे दो दूनी चार। अब इसका धन और ऋण का गुणा करेंगे माइनस का पांच तेईस पंद्रह बटे चार प्लस एक गुणा कर देंगे माइनस एक तो पच्चीस बटे आठ प्लस पच्चीस क्या है पचहत्तर बटे चार माइनस पंद्रह बटे चार प्लस एक बराबर आठ चार चार एलसीएम लेंगे आठ आएगा आठ का भाग आठ के साथ में लेंगे एक आएगा एक अपना माइनस एक सौ पच्चीस के साथ में करेंगे एक सौ पच्चीस प्लस चार दूनी आठ पचहत्तर दूनी मान आ गया डेढ़ सौ माइनस चार दूनी आठ ये दो ही जाएगा मान परी दो दो आठ पंद्रह सौ सात धन आठ करने आठ
बराबर 150 में 125 को घटाएंगे 50 आएगा, माइनस 60 में 8 को 25 माइनस 60 में 8 को घटाया 52 बटे 8 बराबर माइनस 27 बटे 8, यही इसका उत्तर होगा। इसी में प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दूसरा यक्ष की घात 3 माइनस के स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को यक्ष माइनस ए से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए प्रश्न है, माना हल करेंगे, माना पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर धन 6x माइनस ए एवं एक्स माइनस ए का शून्य ए होगा, ए है जहां एक्स होगा तहां पर मान ए रखेंगे, एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए पी एक्स का मान ए है ए रखेंगे, ए की घात 3 माइनस ए में एक्स का मान ए है ए की घात 2 धन 6 में ए माइनस ए, अब ए का गुणन 3 बार करेंगे ए की घात 3 माइनस, क्योंकि ए की घात 2 है, ए की घात 1 है, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं आधार बराबर है, इसलिए ए की घात 3 प्लस 6 ए माइनस ए, ए प्लस का और ए माइनस का मान कट गया, मान बचा 6 माइनस ए बराबर घटाएंगे 5 ए, यही इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है, जांच कीजिए कि सात धन 3 एक्स की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, का एक गुणनखंड है या नहीं, हल करिए, जिसमें माना बराबर, इसमें शून्य कैसे निकालते हैं, जैसे 7 × 3x बराबर 0, 7 बराबर माइनस का 3x, x बराबर माइनस 7/3,
इसका शून्य माइनस 7/3 है। सवाल में रखेंगे पी एक्स बराबर 3x³ 7x, पी एक्स का मान है -7/3 बराबर 3 × x का मान है -7/3 7 × x -7/3 बराबर गुणा करेंगे, क्योंकि ये मान 3 × 7 का गुणा 3 बार करेंगे -7 343 9 9 3 27। अब इसका गुणा करेंगे 7 × 49 आ जाएगा 3, जिसमें काट देंगे 3 × 27 -7 343/9 -49/3। ये हमने एलसीएम लिया, 9 एलसीएम आ गया, 9 को भाग दिया मान 1 आया, -343 - 3 का भाग 9 के साथ में किया, 3 × 9 3 का गुणा करके 3 × 27 के साथ आंसर 2, 3 × 12 14 बराबर। अब इसको इसके साथ में घटा देंगे, मान को घटा लेंगे तो मान अपन का कि माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 7 × 10 = 1 4 × 8 = 9 3 × 1 मान आ जाएगा 4 4 = 90/9 शेषफल बराबर -490/8 ये 0 है, आता है गुणनखंड नहीं है।